कॉर्बेट, जो एक समय प्रसिद्ध शिकारी थे, अब भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए थक कर काम कर रहे थे, जो जानवरों के लिए एक शरण स्थल था जिन्हें उन्होंने एक समय शिकार किया था। उन्होंने एक सुरक्षित आश्रय का कल्पना की जहाँ इन भव्य प्राणियों को शिकारियों की जासूसी आंखों और घातक गोलियों से दूर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी। इस पार्क में वह बाघ जिन्हें उन्होंने एक बार शिकार किया था अब सुरक्षित रहेंगे। उनकी जीवन रक्षा अब एक यादृच्छिक खेल नहीं बल्कि एक संगठित प्रयास। कॉर्बेट का शिकारी से संरक्षक में परिवर्तन पूरी तरह से हो चुका था। उनके कार्यों ने वन्यजीव संरक्षण में एक नया युग चिन्हित किया जिसने भारत की समृद्ध जैव विविधता की संरक्षा की ओर देशव्यापी आंदोलन उत्पन्न किया। उनके प्रयासों की मान्यता में पार्क का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।